नमस्कार आर्यम हिस्ट्री टाइम में आपका स्वागत है आज हम विज्ञान विषय कक्षा छः पाठ छः जीव जगत को पढ़ेंगे प्रश्न नंबर एक है सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए प्रश्न एक का क में है एक कोश की जीव है कौन सा है युगलीना एक कोश की जीव है बाकी मनुष्य केचुआ और छिपकली के बहुकेश की जीव हैं प्रश्न नंबर एक का खा है मेरुदंड पाई जाती है किसमें पाई जाती है तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा मछली में मेरुदंड पाई जाती है बाकी केचुए जोंक और तिलचट्टे में मेरुदंड नहीं पाई जाती है प्रश्न नंबर एक का ग है आप पौधा कौन है तो इसमें है फर्न आप पौधा है बाकी आम जामुन केला ये पुष्प वाले पौधे होते हैं प्रश्न नंबर एक का घ है मूल रोम किसमें पाया जाता है तो उत्तर है जड़ में जड़ों में मूल रोम पाया जाता है बाकी तने पत्ती और पुष्प में मूलरोम नहीं पाया जाता है प्रश्न नंबर दो में है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उनके सामने सही का चिन्ह लगाएं और तथा गलत के सामने गलत या क्रास का चिन्ह लगाएं। उत्तर है का में दिया हुआ है पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है ये सही है पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है पौधे भी अन्य जीवों की तरह एक जीवित प्राणी के रूप में श्वसन करते हैं भोजन की उनके आवश्यकता होती है और वो भी वृद्धि करते हैं ख है जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है अर्थात जीवन भर होती रहती है ये गलत है एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है बाकी उसके बाद वृद्धि नहीं होती है ग में है अमीबा बहुकोषकीय जीव है ये भी गलत है क्योंकि अमीबा और योगलीना एक कोश की जीव होते हैं पैरामीशियम एक बहुत सी सूक्ष्म जीव होता है जो कि जलाशयों में पाया जाता है अंग है रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं ये सही ऑप्शन है और चाहे गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं ये गलत है खरगोश आ कसेरुकी जीव है गलत है नंबर तीन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो यहाँ जो खाली स्थान दिए हैं इसमें भरना है तो उत्तर है का भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है तो इसमें ऊर्जा भरा जाएगा और खा वाले में क्या भरा जाएगा सभी जंतु तथा पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं यहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाएगा ग वाले ऑप्शन में देखते हैं कछुए का जीवन काल लगभग कितना होता है 120 वर्ष से 150 वर्ष तक होता है घा है लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है तो इसमें जो है संवेदनशील भरा जाएगा अंग ऑप्शन में है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं तो इस खाली स्थान में उत्सर्जन भरा जाएगा चा वाले ऑप्शन में क्या भरा जाएगा मूल रोम तो पूरा सेंटेंस होगा पादप मिट्टी से मूल रोम की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं प्रश्न नंबर चार है अस्तम्भ का, अस्तम का मिलान कीजिए अस्तम्भ का दिया हुआ है अस्तम्भ खा दिया हुआ है इसमें हम मिलान करेंगे मेढक किस प्रकार का जीव है का वाला ये उभयचर जीव है ये बा में इसका मिलेगा उभयचर का अर्थात पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले जीवों को हम उभयचर कहते हैं प्रजनन का जो मिलान होगा इसमें बच्चे देने से मिलान होगा और उत्सर्जन जो है हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने को उत्सर्जन कहा जाता है स्तंभ कंध किसे कहते हैं यह है आलू आलू जो है स्तंभ कंध में मिलेगा और अंडयुज अंड, अंड, यूज, अंड यूज का जो मिलान होगा गा वाला आम मिलेगा अंडा देने वाले जंतुओं को अंडेयु कहते हैं सलजम का जो मिलान होगा कुंभी रूप से होगा और संवेदनशीलता का जो मिलान होगा धमाके को सुनकर चौक जाने को संवेदनशीलता का मिलान होगा प्रश्न नंबर पाँच है मक्का प्याज सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों का नाम लिखिए उत्तर है मक्के में झकड़ा जड़ पाया जाता है प्याज में मूसला जड़ पाया जाता है और सरसों में मूसला जड़ पाया जाता है और बैगन में मूसला जड़ पाया जाता है प्रश्न नंबर छः है मूसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तो उत्तर देखते हैं देखिए जड़ों का जो प्रकार है इसमें मूसला जड़ का चित्र बनाना है तो इस प्रकार ये जो है मूसला जड़ का चित्र बनेगा और ये अपस्थानिक जड़ कहते हैं इसको झकड़ा जड़ भी कहते हैं और इसका चित्र इस तरीके से बनेगा एग्ज़ाम में पेपर में कहा जाए तो उस तरीके का अब चित्र बना लेंगे तो इस तरीके का जो जड़ होता है मूसला जड़ होता है इसमें एक मोटी सी जो है जड़ सीधे ज़मीन के अंदर जाती है और बाकी जो शाखाएँ ऐसे निकलती निकली रहती हैं और अपस्थानिक जड़ में कोई कोई मोटी जो है जड़ नीचे सीधे ज़मीन में नहीं जाती यहाँ शुरू से ही ये बारीक बारीक जड़ों के द्वारा जो है पूरे ज़मीन में फैला रहता है और इसकी जड़ जो है गहराई तक जाती है मूसला जड़ और इसकी नहीं जाती है तो इस तरीके का हम फिगर बना लेंगे और बनाने के बाद उसका ना नाम लिख देंगे तो वो जो है नामांकित चित्र हो जाता है प्रश्न नंबर सात है किन्हीं तीन पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़ तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है उत्तर है बैक्टीरिया कवक तथा शैवाल में जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है प्रश्न नंबर आठ है किन्हीं दो बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए उत्तर है आम तथा गुड़हल ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं क्योंकि इसको एक बार लगा दिया जाता है तो बहुत सालों तक कई सालों तक जो है ये इसमें फल और फूल लगते रहते हैं प्रश्न नंबर नौ है साक झाड़ी तथा वृक्षों के पांच पांच उदाहरण लिखिए उत्तर है साग किसे कहते हैं और झाड़ी कहते हैं तो साग में मक्का पालक सरसों और मटर बैगन ये साग हैं और झाड़ी किसे कहते हैं गुलाब जंगली बैर करौदा नील काटा गुड़हल ये सब झाड़ के अंतर्गत आते हैं वृक्ष किसे कहते हैं नीम आम बरगद पीपल चीड़ जो बड़े पौधे होते हैं जो बड़े पेड़ होते हैं उनको वृक्ष कहते हैं प्रश्न नंबर दस है शाकाहारी मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के पांच पांच नाम लिखिए अर्थात पांच पांच जंतुओं के नाम लिखिए जो शाकाहारी हों मांसाहारी हों और सर्वाहारी हों तो शाकाहारी जंतु है खरगोश गाय हाथी बकरी घोड़ा घास भूसे और पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं मांसाहारी जीव शेर चीता गीदड़ तेंदुआ चील ये सब जीव जो है मांसाहारी हैं और ये मांस को केवल खाते हैं और सर्वाहारी जीव किसे कहते हैं मनुष्य बिल्ली कुत्ता कौवा और गौरैया ये ये सर्वाहारी जीव होते हैं जो साग और मांस दोनों खाते हैं इसलिए इन्हें सर्वाहारी जीव कहा जाता है इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद